हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हाल फिलहाल में ही महिंद्रा एक्सयूवी 500 के ऊपर हमको कुछ नए लेटेस्ट पाइसर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर कुछ नई और जो है कंफर्म इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो इसकी है फ्रंट लुक से एंड जो पैनोरामिक सनरूफ से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है श्री और स्वागत है आपसे एक अमेरिका नए वीडियो में। तो दोस्तों, जो पहली इमेज है वो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये कोई पहाड़ों टाइप में ठंड वाली जगह पे इसकी टेस्टिंग हो रही थी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएंट है वो लोअर है, क्योंकि जो आप इसके व्हील्स देखेंगे तो कोई भी अलॉय व्हील नहीं है, जो स्टील व्हील्स आते हैं लोअर वेरिएंट्स में वो है। लेकिन इसके आप हेडलाइट देखिए, इसकी हेडलाइट आपको 90% तक दिख रही होगी, उसके ऊपर आपको DRL भी दिख रहे होगी। इसकी जो हेडलाइट डिज़ाइन है वो भी आपको क्लियरली दिख जाती है। और इसके नीचे ही आपको जो है दूसरा बैक साइड का लुक देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो आई थिंक डमी वाले टेल लाइट्स लगाए गए हैं, लेकिन रियर वाइपर विथ वॉशर और जो बाकी सारे फीचर्स है, जो एलोंगेटेड टेल गेट है, वो सब देखने को मिल जाता है। अब जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, जो मैंने आपको आपके पहले वीडियोस में बताया था कि इसके अंदर SUVs के मामले में सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। दोस्तों, वो आप इसी में देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलती है। और जो महिंद्रा की वर्टिकल स्लैट्स फ्रंट क्रोम ग्रिल है वो भी आपको आगे देखने को मिल जाती है। इसके अंदर भी जो आपकी हेडलाइट्स है वो आपको देखने को मिल जाती है, तो लेकिन ये तो टॉप वेरिएंट्स होगा क्योंकि बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ है, तो ये टॉप वेरिएंट्स होगी। लेकिन जो हेडलाइट्स है वो आई थिंक आपको जो DRLs है वो लोअर से एंड अपर वेरिएंट दोनों में ही देखने को मिल जाएंगी। अगर आप सोच रहे होंगे तो पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी एक न्यूज़ निकल के आई है कि जो अभी वाली XUV थी करंट मॉडल, वो जल्दी ही महिंद्रा प्रोडक्शन बंद कर रहा है और जल्दी इसके ऊपर डिस्काउंट देके जो है इसका स्टॉक क्लियर करने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि मार्च 2021 में ये जो नई XUV है वो शोरूम्स में आने वाली है। तो अभी वाली जो XUV है वो जल्दी से ही आपको डिस्काउंट में देखने को मिल सकती है। तो जो फेब्रुअरी यानी 10-15 दिनों के बाद आपको हैवी डिस्काउंट्स XUV 500 के ऊपर देखने को मिल सकता है। जो डिस्काउंट 1-2 लाख से शुरू होकर 4-5 लाख तक का भी होगा, वो आपको कैसे मिलेगा वो आप जाके डीलर से संपर्क करें और डिस्काउंट का जो भी होगा वो आपको शोरूम्स पे जाके ही पता चल जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है पुराने XUV लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं, आपका बजट ज़्यादा है, तो आप मार्च 2021 में नई XUV ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसके अंदर दो नए इंजन ऑप्शन डाल दिए गए, एक है 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 2.2 लीटर जो है डीजल इंजन, दोनों ही 4 सिलेंडर यूनिट रहने वाले हैं। और जो पेट्रोल इंजन है और जो डीजल इंजन है दोनों ही थार में से लिए गए हैं, लेकिन जो थार से ज़्यादा ट्यूनिंग यानी ज़्यादा पावर एंड टॉर्क फिगर के साथ XUV 500 में आएंगे। इसके अंदर आपको जो है थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फर्स्टली तो इसके बॉडी डायमेंशंस में इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी बॉडी डिज़ाइन देखने को मिल सकती है। जो डायमेंशन लेंथ विथ ग्राउंड क्लियरेंस सभी में ये गाड़ी जो पुरानी वाली XUV से उससे ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा एरोडायनामिक और जो इसकी डिज़ाइन है वो ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसके अंदर आपको नए फ्रंट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ न्यू DRLs, न्यू फ्रंट ग्रिल, न्यू फ्रंट बम्पर विथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है इसके ORVM से वो ऑटो फोल्डिंग इंटरनल इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ पडल लैम्प एंड वेलकम फॉक्स सीट के साथ आएंगे। इसके अंदर आपको बड़े साइज के डुअल कट डायमंड कट फिनिश के साथ अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इसके रियर में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट देखने को मिलेगा, इसका रियर भी बढ़ा दिया गया है, इसकी जो साइज है वो भी, लेकिन इलेक्ट्रिक टेलगेट देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर आप विद अ प्रेस ऑफ बटन टेलगेट को बंद या फिर क्लोज कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको न्यू प्रीमियम नापा लेदर सीट्स देखने को मिलेगी। इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा वो आपको 8-10 इंच का देखने को मिलेगा, जो कि डेस्कटॉप स्टाइल में आएगा, आप स्पाई शॉट्स में देख रहे होंगे। ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन मिररिंग जैसे फीचर्स, कनेक्टेड कार फीचर्स भी इंक्लूडेड है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलेगा जो कि फुली डिजिटल होगा, वर्चुअल कॉकपिट टाइप डिजाइन में आएगा। इसके अंदर आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही गियर ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इसकी अगर एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो 2-3 लाख ज़्यादा होगी, जो आपकी अभी वाली करंट XUV है उससे 2-3 लाख रुपये ज़्यादा महंगी होगी। तो यही थे कुछ डिटेल XUV 500 के ऊपर, अगर कोई फर्दर अपडेट आई तो मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों, कैसे लगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर वीडियो के अंदर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए देना, थैंक यू सो मच। How does it feel to breathe when you're dead?